माँ भगवती इच्छा पूर्ति मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा देश में फैली कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में फंसे नागरिकों को भोजन वितरित किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष राम नरेश ने बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, इस पर आधारित है। राम नरेश के मुताबिक पिछले कई दिनों से घर घर जाकर भूखे लोगों के लिए माँ भगवती इच्छा पूर्ति मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट भोजन पेयजल की व्यवस्था कर पहुँचा रही है। नगर में किसी भी नागरिक को भोजन की आवश्यकता हो तो संपर्क कर भोजन प्राप्त कर सकता है। अध्यक्ष राम नरेश के मुताबिक जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक मां भगवती की असीम अनुकंपा से भोजन इसी तरह गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर में पहुंचाने का कार्य मां भगवती इच्छा पूर्ति मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता करते रहेंगे। इस दौरान कोसा अध्यक्ष मंजू देवी, सुजीत सिंह चौहान, अतुल मिश्रा, अमित अभिषेक, राजेंद्र प्रधान, सतीश शुक्ला, अभिषेक तिवारी, डॉक्टर एस एन सिंह, राजकुमार गुप्ता, अजय चौरसिया, महेश सिंह राठौर, संजय लाला, भानु यादव, मनोज भदौरिया, संतोष सिंह सत्यनारायण गुप्ता, हरविंदर सिंह छोटू, मनीष मिश्रा आदि मौजूद रहे। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पिछले 4-5 दिनों पहले से हम लोग भूखे और असहाय लोगों के लिए इस संस्था के माध्यम से हम उनको भोजन घर तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ उनकी और भी जो ज़रूरत की आवश्यकता वाली चीज़ें उनकी भी व्यवस्था करा रहे हैं। और ये हमारा जो भोजन वितरण का कार्यक्रम है वो लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक चलेगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 अप्रैल और दिन रविवार को शाम 9:09 के लिए एक दीप जलाने की जो प्रार्थना की है वो भी हम इस ट्रस्ट के माध्यम से आप सब लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि उस दीप को ज़रूर जलाएँ और कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। इस ट्रस्ट के माध्यम से लोग हम लोग लगभग 1,000 से लेकर के 1,500 तक शहर के भिन्न भिन्न स्थानों पर बर्रा क्षेत्र हो गया, शास्त्री नगर क्षेत्र हो गया और भी जो जहां पर लोग भूखे लोग हैं वहां हम जो है प्रतिदिन इस ट्रस्ट के माध्यम से उनको भोजन वितरित कर रहे हैं।